गुआंतानामो बे का अमरीकी हिरासती मरकज 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद हिरासत में लिए गए मुबैना दहशतगर्दों के हवाले से मशहूर है। ये क्यूबा में गुआंतानामो बे के साहिल पर कायम एक अमरीकी बहरी अड्डे पे मौजूद है। इस कैद खाने को कायम हुए 17 साल हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक 35 से ज्यादा मुल्कों से 780 कैदियों को यहाँ लाया गया। वक्त के साथ साथ कई कैदियों को दूसरे मुल्कों में मुंतकिल किया गया, कुछ रिहा हो गए और कुछ वहीं पर इंतकाल कर गए। आज यहाँ 40 कैदी रह गए हैं, जिनमें से 6 पाकिस्तानी कैदी हैं। आइए जानते हैं ये 6 पाकिस्तानी कौन हैं। सैफुला प्राचा इस हिरासती मरकज के सबसे उम्र सीधा कैदी हैं। वो अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। उन्हें 2003 में बैंकॉक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। 2004 से गुआंतानामो बे में कैद हैं। सैफुला पर अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की गई और ना ही उनके खिलाफ किसी मुकदमे का आगाज किया गया है। अमरीकी हुकूमत का दावा है कि सैफुला प्राचा अलकायदा के बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ वाबस्ता रहे हैं, दहशत गर्दों की माली मुआवनत की और धमाका खेज मौत पर तहकीक करने और उसे अमरीका मुंतकिल करने के लिए अलकायदा को मशवरे दिए। सैफुला इन इल्जाम से इनकार करते हैं। खालिद शेख मोहम्मद अमरीका में 11 सितंबर 2001 को होने वाले हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड के तौर पर जाने जाते हैं। इस हरासती मरकज में उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमे के आगाज से कबल समायतें मुनक्कद की जा रही हैं। उन्हें 2003 में रावलपिंडी में ISI और CIA के एक मुश्तरक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। 2006 में उन्हें इस हरासती मरकज में मुंतकिल कर दिया गया। पेंटागन के जारी करदा दस्तावेजात के मुताबिक खालिद शेख मोहम्मद ने अपने बयान में 11 सितंबर 2001 के हमलों, 22 दिसंबर 2001 में जूतों में बम छुपाकर मुसाफर बरदार त्यारा उड़ाने की कोशिश, 1 फरवरी 2002 को सहाफी डैनियल पर्ल का कत्ल, 12 अक्टूबर 2012 में इंडोनेशिया में बाली नाइट क्लब हमले और 26 फरवरी 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम हमले के अलावा दहशतगर्दी की दीगर नाकाम कोशिशों और दीगर जाम का इतराफ किया। खालिद शेख मोहम्मद का दावा है कि उन्हें दौरान कैद अमरीकी हुकाम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अमार अल बलोची का असल नाम अब्दुल अजीज अली है। खालिद शेख मोहम्मद के मुकदमे से पहले जारी समायतों में ये भी शामिल हैं। 2003 में उन्हें कराची से अलकायदा के 5 मजीद अरकान के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें CIA के खुफिया तफ्तीशी मरकज या ब्लैक साइड पर भी रखा गया। 2006 से इस हरासती मरकज में कैद हैं। अमरीकी महकमे दफा के मुताबिक उन पर 9/11 के हमलावरों की मुआवनत, उसामा बिन लादन के लिए पैगाम रसानी और कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर जहाज जाने की मनसूबाबंदी के इल्जाम शामिल हैं। अमार अल बलोची खालिद शेख के रिश्तेदार समझे जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आफिया सिद्दीकी से उनकी शादी हुई थी जो बाद में खत्म हो गई। 2018 में क़ौमे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के ग्रुप ने उनकी कैद को गैर कानूनी करार दिया और फौरी तौर पर उनकी रिहाई का मुतालबा किया। अमार अल बलोची को भी CIA की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2006 से इस हिरासती मरकज में कैद माजिद शौकत खान वाहद कैदी हैं, जिनके पास अमरीकी शहरियत है। उन्हें 2003 में पाकिस्तान से गिरफ्तार करके CIA के हवाले किया गया था। उन पर जंगी जुराइम की मनसूबाबंदी के इल्जाम है, जिनमें कत्ल, इकदामे कत्ल, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और जासूसी शामिल हैं। माजिद खान पर इस वक्त गुआंतानामो बे की फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। अमरीकी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 2012 में मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने ये इतराफ किया था कि वो 11 सितंबर के हमलों के बाद अलकायदा के लिए रजाकाराना तौर पर काम करते रहे हैं। माजिद खान के वकला का कहना है कि उन्हें जेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसे मद्देनजर रखते हुए उनकी सजा में कमी होनी चाहिए। मोहम्मद अहमद गुलाम रबानी और अब्दुल रहीम गुलाम रबानी दो भाई हैं जो तकरीबन 15 सालों से गुआंतानामो बे में कैद हैं। उन पर अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है। US मिलिट्री कमीशन के मुताबिक दोनों भाई अलकायदा और खालिद शेख मोहम्मद के लिए काम करने का एतराफ कर चुके हैं। उन्हें 2002 में कराची से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अहलकारों ने हिरासत में लिया और फिर अफगानिस्तान में अमरीकी हुकाम के हवाले कर दिया। दोनों भाई काफी अरसे तक जेल में भूख हड़ताल पर भी रहे, जिसके दौरान उन्हें जबरदस्ती खुराक दी गई। उन्होंने अमरीकी अहलकारों पर तशद्दुद और बदसलूकी के इल्जाम लगाए हैं।